हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ये डॉल बनाने जा रही हूँ बॉटल का यूज करके। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारी डॉल बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डॉल बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये बॉटल लिया है और पेपर ले लिया। पेपर को इस तरीके से कट कर लेना है चार बार में। छोटे पीस कट कर लेना है। अब इसको इस तरीके से रोल कर लेना है। अब यहाँ पास सेलो टेप लगा के इसको अच्छे से होल्ड कर लेना है। इस तरीके से पूरे पेपर में सेलो टेप लगा रहे हैं ताकि अच्छे से ये अटैच हो जाए, निकले ना पेपर। देखिए, इसी तरीके से सारे पेपर को बना लेना है। ये देखिए, मैंने इतना सारा बना लिया है। अब हैंड बनाने के लिए इस पेपर को थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ मैं सेलो टेप लगा दे रही हूँ। ये इस तरीके से इसको चिपका लेना है अच्छे से। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने दो बना लिया है हाथ के लिए। अब इसको चिपका देते हैं ग्लू से। ये बॉटल लिया है, बॉटल में जस्ट यहाँ पास से इसको पेस्ट करना है। इस तरीके से चिपकाते जाना है। देखिए, अच्छे से इस तरीके से चिपका लेना है इसको। पूरे बैक साइड में भी लगा लेना है। ये देखिए, मैंने बैक साइड अच्छे से लगा लिया है। अब हैंड को भी इस तरीके से दोनों साइड में इस तरीके से अटैच कर देना है। अब इस तरीके का मोटा कार्ड लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको भी पेस्ट कर देना है ग्लू से। इस तरीके से इसको भी पेस्ट कर देना है। ये देखिए, ये अच्छे से पेस्ट हो गया है। अब इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पेपर। यहां से सर्कल इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको काट लिया है इक्वली। देखिए इस तरीके, यहाँ पास जो खाली है यहाँ पास मैं पेपर को इस तरीके से भर रही हूँ। तरीके से भर देना है पेपर को। अब कार्ड को गोलाकार में इस तरीके से कट कर लेना है और यहाँ पास पेस्ट कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से चिपक गया है और बचे हुए कार्ड को कट कर लेना है इस तरीके से और इसको ऊपर साइड ऐसे चिपका देना है। ये देखिए, इसको मैंने नीचे से अच्छे से चिपका लिया है। अब टिश्यू पेपर लेके इसमें लगा लेना है। ग्लू और वाटर को मिक्स करना है।
इसमें चारों साइड लगाना है और टिश्यू पेपर भी इसमें लगा देना है। इस तरीके से पूरे में टिश्यू पेपर लगा देना है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसमें कलर करते बने अच्छे से। ये देखिए मैंने चारों साइड लगा लिया है टिश्यू पेपर, ये फ्रंट का है और ये बैक साइड है। तो अब इसको थोड़ा सा सूख जाने देते हैं, फिर इसमें कलर करेंगे। देखिए डॉल सूख गया है, अब इसमें कलर कर देती हूँ। तो मैं ये ब्लैक कलर करूँगी इसके हेयर में और फेस कलर करूँगी बाकी पूरे जगह। ये देखिए मैंने हेयर को कलर कर लिया है, अब फेस कलर बाकी पूरी जगह कलर करूंगी। ये देखिए पूरी जगह मैंने कलर कर लिया है, अब इसको थोड़ी देर सूख जाने देते हैं, तब तक इसका कपड़ा बना लेते हैं। कपड़ा बनाने के लिए मैंने इतना चौड़ा कपड़ा लिया है, इसको यहाँ पास इस तरीके से लगा देना है। यहाँ फ्रंट में स्टोन लगा दे रही हूँ ताकि और अच्छा दिखने लगे। घांगरा बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इतने इतने पीस कट कर दिए हैं। इसको टू फोल्ड में इस तरीके से इस स्ट्रिप में अटैच कर लेना है, पूरी स्ट्रिप को भर लेना है। पास पास में भर लेना है लहंगा बनाने के लिए। ये देखिए पूरी स्ट्रिप में मैंने कवर कर लिया है, अब इसमें इसको पहना देते हैं। देखिए इसका ड्रेस बन गया है, अब इसकी आंख बना देते हैं। आंख बनाने के लिए मैं दो स्टोन ले रही हूँ, ब्लैक कलर का स्टोन।
लिप्स बनाने के लिए मैं ये रेड कलर ले आई हूँ, इससे लिप्स बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही सुंदर डॉल बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डॉल बनकर रेडी हो गई है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।